गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग इस सब्जेक्ट का एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एमकॉम सेमेस्टर सेकंड, देन डीटीएल, एमबीए, बीबीए, इन सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और जिन जिन स्टूडेंट के करिकुलम में यानी कि सिलेबस में टैक्स का पेपर है और उन्हें अगर ये टॉपिक होगा एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। मिस्टर राम हैज स्टेट इन रबर, टी एंड कॉफी। ही डिराइव्ड इनकम फ्रॉम देम। He has a nursery wherein he grow and sell the plant. For the previous year ending 31st March 2023, he furnished the following particular of his income from estate and sale of plant. You are requested to compute taxable income for assessment year 2023-24. हमें कैलकुलेट करना है 23-24 के लिए। अज्यूमिंग ही हैज नॉट अडॉप्टेड प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब उन्होंने जो न्यू रिजीम है वो अडॉप्ट नहीं किया है, तो हमें उनका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में से उनको इनकम मिलता है 5 लाख, सेल ऑफ कॉफी ग्रॉन एंड कर्ड उसमें से इनकम मिलता है, सॉरी क्यूर्ड उसमें से इनकम मिलता है 3,50,000, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी उसमें से इनकम मिलता है 7 लाख, सेल ऑफ प्लांट एंड नर्सरी उसमें से इनकम मिलता है 1 लाख। ही हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज 3,13,500 ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन दिल्ली। तो उनके पास इतने सारे इनकम्स है तो हमें इसके ऊपर से उनका टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए जो परसेंटेज है रबर के लिए अलग है, कॉफी के लिए अलग है और टी के लिए अलग है, तो उसके अनुसार हम उसमें से कितना परसेंट एग्रीकल्चरल आएगा, कितना परसेंट बिजनेस आएगा, इसका बाइफरकेशन कर लेंगे। तो पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो उनका इनकम है उसका बाइफरकेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लेंगे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो कॉलम कर लीजिए पर्टिकुलर का एक, इनकम का एक कॉलम, एग्रीकल्चरल इनकम का एक कॉलम एंड बिजनेस इनकम का एक कॉलम। तो इस तरह से हमने कॉलम किए। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर का इनकम है 5 लाख, तो रबर के लिए जो परसेंटेज है एग्रीकल्चरल के लिए 65%, बिजनेस के लिए 35%। सो हम 5 लाख के ऊपर 65% कैलकुलेट करेंगे, वो आए 3,25,000। देन 5 लाख के ऊपर 35% कैलकुलेट करेंगे, वो आए 1,75,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड, वो है 3,50,000। कॉफी के लिए जो परसेंटेज है वो एग्रीकल्चरल के है 75%, तो हमने 2,62,500 लिए। ये किसके ऊपर निकाले 75%, तो 3,50,000 के ऊपर। देन हमने 3,50,000 के ऊपर 25% निकाले, वो बिजनेस इनकम के कॉलम में लिए 87,500। नेक्स्ट है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो टी के परसेंटेज है एग्रीकल्चरल के लिए 60%, बिजनेस के लिए 40%। तो हमने यहाँ पर 7 लाख के ऊपर 60% कैलकुलेट किए, एग्रीकल्चरल इनकम आया टी के टी से 4,20,000 एंड बिजनेस इनकम आया ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी से 2,80,000। अभी सेल ऑफ प्लांट एंड नर्सरी प्योरली एग्रीकल्चरल है, उसमें कोई भी हमें बिजनेस इनकम नहीं है, तो हम ये 1 लाख जो है वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल इनकम में ले लेंगे। अभी इनकी टोटल करनी है, तो टोटल आई 11,07,500, बिजनेस इनकम की टोटल आई 5,42,500। तो इस तरह से हमने पहले टोटल कर ली। अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है ओल्ड रिजिम से। तो पहले हम लेंगे
जो प्रॉफिट और गेन है फ्रॉम बिजनेस वो लेंगे, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस वो हमारी आई है 5,42,500, तो वो ले लेंगे। देन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में कैपिटल गेन बताया गया था कि उन्होंने उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सोल्ड की है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है 3,13,500, दिल्ली में लैंड थी, तो ये इनकम हम इसमें ऐड कर देंगे 3,13,500। तो ग्रॉस टोटल इनकम आई है 8,56,000, उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं है अंडर सेक्शन 80C to 80U, वो डिडक्शन नहीं है तो नील कर दिए, तो उनकी टोटल इनकम आई 5,56,000। अभी उनकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो है 11,07,500, तो नीचे हमने लिख दी एग्रीकल्चरल इनकम 11,07,500। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। हमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला था, टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं बोला था, सो हमने सिर्फ इनकम तक कैलकुलेशन करके यहाँ पर रखा है। तो देखिए वंस अगेन आप प्रॉब्लम देखिए 6 नंबर का, और ये उसका सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम जो सेटअप के प्रॉब्लम्स है वो लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो होते हैं अंडर वेरियस सेक्शंस, मतलब अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D, तो वो क्या होते हैं, तो उसका पहले मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो लूंगी और उसके बाद जो सेटअप के प्रॉब्लम है वो लूंगी। वो कंप्लीट होने के बाद हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स टैक्स ट्रीटमेंट एंड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, उनके प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले एग्रीकल्चरल इनकम के सेटअप के प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम इंट्रोडक्शन का वीडियो लेंगे और बाद में हम उसके जो प्रॉब्लम है सेटअप के वो ले लेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।